राधे राधे दोस्तों, बबीता जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बरबट्टी और आलू की सब्जी बना के दिखाएंगे। बरबट्टी काट लेंगे, लहसुन मिर्ची प्याज और आलू काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे, सूखा मिर्च रख लेंगे, धनिया पत्ता काट लेंगे, तेज़पत्ता रख लेंगे। फिर बरबट्टी को एक चम्मच सरसों तेल कढ़ाई में डाल के हल्का फ्राई कर लेंगे। फिर आलू को भी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल के इसे चलाएंगे। इधर सिलपट्टे पर तेजपत्ता, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक डाल के पीसेंगे। जीरा को भी पीस लेंगे आधा चम्मच। टमाटर भी पीस लेंगे। जब पीस जाए तब एक बाटी में सारे को उठा लेंगे। इधर जब ये फ्राई हो जाए इसे एक थाली में निकाल देंगे। दो चम्मच सरसों तेल डाल देंगे, जीरा और सूखा मिर्ची या पचफोरन का तड़का लगाएंगे, तेजपत्ता भी डालेंगे, कटा हुआ प्याज भी डालेंगे। डाल के इसे कम फ्लेम पर धीरे धीरे चलाएंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। डाल के इसे चलाएंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए सारा मसाले का पेस्ट इसमें डाल देंगे। डाल के इसे चलाएंगे, फिर ढक देंगे। कश्मीरी सूखा मिर्च डाल देंगे पाउडर आधा चम्मच और कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। जब मसाला आधा भून जाए तब फ्राई किया हुआ सब्जी इसमें डाल देंगे। कच्चा मिर्ची डाल देंगे दो, एक चम्मच मीट मसाला डाल देंगे। डाल के इसे चलाएंगे और ढक देंगे। जब मसाला भून जाए इससे तेल छूटने लगे तब एक गिलास पानी बड़ा गिलास से डाल देंगे। आपको सूखा रखना है तो रख सकते या फिर नहीं डाल सकते। और धनिया पत्ता डाल देंगे। जब ये अच्छा से सब्जी गल जाए हाथ से छूके देखेंगे। देखिए बरबट्टी का सब्जी बनके तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों।